हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो ये वीडियो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए है। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को कवर करने जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने इंजर्ड ओकरा को रिप्लेस कर दिया है पानागायोटिस ट्रायाडिस से, जो कि एक 26 वर्षीय ग्रीस अटैकिंग मिडफील्डर है। अब हम इनकी थोड़ी सी अबिलिटीज़ पे चलते हैं। ये अटैकिंग मिडफील्ड में तो खेलते हैं, पर एज अ फॉरवर्ड भी खेल सकते हैं, जिसकी वजह से ये उगबेचे के लिए एक अटैकिंग पार्टनर बन सकते हैं। पर ये एज अ प्ले मेकर ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि अगर हम इनके गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड्स देखें तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 2018-19 के सीज़न में ये सुपर लीग ग्रीस, जो कि ग्रीस का टॉप टायर है फुटबॉल का, उसमें अपोलोन समायरनी के लिए खेल रहे थे, जिसमें इन्होंने 14 गेम्स में 2 गोल्स दागे। पर इनका ये जो क्लब है वो सुपर लीग ग्रीस में 16th रैंक पे है, यानी कि लास्ट रैंक पे है, बॉटम ऑफ द टेबल है, तो इससे ज़्यादा कुछ खास पता नहीं चलता। इससे पहले ये 2012 से 18 तक जानथी एफसी के लिए भी खेले हैं, जिनमें इन्होंने 80 गेम्स में सिर्फ 5 गोल्स दागे जानथी के लिए, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा गोल स्कोरिंग प्लेयर नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा प्ले मेकर है, यानी कि ये उगबेचे के लिए गोल्स बना सकते हैं और बीच में थोड़े बहुत गोल्स खुद डालने की क्षमता रखते हैं। तो क्रिएटिविटी में ये गयोगो के लिए एक बहुत ही अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, और गयोगो के और मासिया के साथ मिलके उगबेचे के लिए बॉल ऐसी प्रोड्यूस कर पाएंगे जिससे उगबेचे अच्छे से अच्छे गोल दाग पाए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। तो ये है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के नए प्लेयर पानागायोटिस ट्रायाडिस, जो कि सीज़न के अंत तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना कतई भी मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, पीस आउट।